पंचीर नगर स्थित सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल के आगाजदा ऑडिटोरियम में विद्यालय निदेशक राजा डी थारवानी की जीवन यात्रा के सपनों को शब्दों की माला में सपनों की ऊंचाई उड़ान पुस्तक के रूप में विमोचन किया गया, जिसके लेखक स्वयं राजा थारवानी व सह लेखिका डॉक्टर नंदिनी खत्री हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विशिष्ट अतिथि के रूप में PhD विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव समित शर्मा ने शिरकत की। इन्हीं के साथ नगर निगम उप महापौर नीरज जैन, सुरेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के उपाध्यक्ष प्रकाश लाल चंदानी, संयुक्त सचिव भूमिका थारवानी, मंथन थारवानी, मित्तल ग्रुप के मनोज मित्तल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात भूमिका थारवानी व मंथन थारवानी के द्वारा पधारे हुए अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। पधारे हुए अतिथिगण, थारवानी परिवार आदि ने मिलकर मंच पर पुस्तक का विमोचन किया। सपनों की ऊंची उड़ान एक प्रतिबिंब है राजा डी थारवानी की जीवन यात्रा का, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जीवन में कभी भी सपने देखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हर इंसान को सपना देखना चाहिए। अगर हम सपने देखेंगे तभी हम उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। सबके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए और उसे लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सपने देखना बहुत जरूरी होता है। कोई सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरा करने का सब में एक जुनून होना चाहिए। जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन अपने आप में सुख और दुख का चक्र है, पर किसी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए और अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बरसक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने बताया कि लक्ष्य को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी माता पिता का आशीर्वाद होता है। उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप इस पुस्तक का लिखना संभव हो पाया है। पुस्तक के विमोचन के समय राजा थारवानी भावुक हो गए। समित शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह जीवन बहुत अमूल्य है, हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें समाज और देश याद रख सके। वहीं दूसरी ओर लोकसभा उपाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि वे 2047 का सुंदर भारत का सपना जी रहे हैं और इस सपने को वे अकेले पूरा नहीं कर सकते, उन्हें हर एक व्यक्ति का, पूरे समाज का सहयोग चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदिनी खत्री, मैं सह लेखिका हूँ इस खूबसूरत किताब की, सपनों की ऊंची उड़ान, जो कि मेरे सर की है, राजा डी थारवानी साहब की जीवन पे पूरी बनाई गई है और मैंने उनके साथ अपना पेन शेयर किया है। तो उनकी पूरी जीवन, पूरा जीवन जो बचपन से लेके अभी तक जो सर कर रहे हैं, जो करते आए हैं, उनके अचीवमेंट्स और उनके अप्स एंड डाउन, सक्सेस एंड फेलियर, सब कुछ है इस किताब में और हमने बहुत बखूबी से इसको चंद पन्नों में समेट के लिखा है। तो मेरे लिए एक बहुत बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। जो मेरे सपनों की ऊंची उड़ान बुक का लॉन्च हुआ, उसमें आई एम थैंकफुल टू आवर स्पीकर ऑनरेबल देवनानी साहब एंड डॉक्टर समित शर्मा साहब कि उन्होंने अपना बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के इसको एक मेमोरेबल और मोस्ट सक्सेसफुल इवेंट बना दिया अजमेर का। और भी बहुत सारे डिग्निटरीज थे और बेसिकली काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहे कि ऐसा बुक लिखने की कहाँ ज़रूरत आन पड़ी और क्यों लिखा है आपने। तो सिर्फ दो लाइन कि मैं अजमेर के यूथ को मोटिवेट करना चाहता हूँ, इंस्पायर करना चाहता हूँ कि बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अजमेर में इतने संसाधन हैं, इतना पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में इतना ग्रोथ और डेवलपमेंट है। अगर आप यहीं अजमेर में रह के, अपने पेरेंट्स के साथ रह के अजमेर के लिए कुछ कर सको, तो मुझे लगता है ये बुक जो हमने लिखी है समाज को, इस नोबल कॉज के लिए डेडिकेट की है, तो वो सफल हो जाएगी। मान लीजिए अगर 100-200 बच्चे भी कहीं बाहर जाने से रुक जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, तो अजमेर का भी भला है, समाज का भी भला है और सोचिए उन पेरेंट्स का भला है। आप सभी पेरेंट हैं तो उनका भी भला है कि उस उम्र में 50-55 की उम्र में वो बच्चे उनके साथ रह रहे हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जब सदगुरु जैसा ग्रुप जो बाहर है अजमेर में शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है, 5 लोगों से 1200 लोगों तक पहुंच सकता है, तो बाकी लोग भी बहुत बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। उनको सिर्फ सपने देखने होंगे, विजन और मिशन बड़ा रखना पड़ेगा और हार्ड वर्क और डेडिकेशन देना पड़ेगा। कोई भी काम एक ही बार में नहीं होता है, सक्सेस नीड्स हार्ड वर्क, नो पेंस नो गेंस। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, रातें जागनी पड़ेगी।
इंटरनेशनल सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल के जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं राजा डी थारानी, उनके लिए सपनों की ऊंची उड़ान पुस्तक का विमोचन जिस प्रकार से हुआ है, मैं समझता हूँ वह सबके लिए प्रेरणादायक है। उस पुस्तक में एक रेलवे कर्मचारी के रूप में अपना जीवन शुरू किया और अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने परिश्रम, अपने व्यवहार, अपनी शालीनता से वे जो सपने देखे थे उनको ऊंचा करते गए। और आज या तो भारतीय राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ कलाम ने इस प्रकार के सपने देखे, उन सपनों को पूरा करने में आगे बढ़े, आज अजमेर को एक शैक्षिक नगरी बनाने में जिस प्रकार से स्कूल की रचना की है और भी कई इन्होंने कंपनियां शुरू की हैं, मतलब अजमेर के विकास में वह काफ़ी आगे बढ़ेंगी और अजमेर के नवयुवकों के लिए भी एक प्रेरणादायक होगी। कब मेहनत और लगन से आगे बढ़ सकते हैं, स्वयं का जीवन भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन स्वयं के जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन है, अजमेर का जीवन है, देश का जीवन है, हम सब लोग मिलकर के इस देश शहर को एक श्रेष्ठ शहर बनाए, स्मार्ट बनाए और मिलकर के मोदी जी का जो सपना है कि वह 2047 में हम विकसित भारत देखना चाह रहे हैं, उसमें हम सब लोग उस यज्ञ में भी अपनी आहुति दें, सहभागी बने। मैं उनके कुशल जीवन के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में सफलताएँ प्राप्त करें, आगे बढ़ते जाएं और अजमेर का विकास में अपना योगदान दें। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.